हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मोटरसाइकिल का रिव्यू ऑफ अ होंडा बाइक। जी हाँ, BS6 रेडी नहीं, BS6 कंप्लायंट है ये मोटरसाइकिल और दिस इज द फर्स्ट 125cc जो लॉन्च हुई है विद द BS6 इंजन। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड रिव्यू। लेट्स गेट गोइंग। होंडा SP125, इसके लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं करंट मोटरसाइकिल से। हाँ, आपको शाइन की बैजिंग नहीं मिलती है एंड देर आर सम चेंजेस एज वेल। फॉर इंस्टेंस, इसके हेडलैम्प्स ऑल LED है, इसको अभी भी बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। TVS के टायर्स यूज किए गए हैं इसमें जो ज़्यादा माइलेज देते हैं एज पर द कंपनी। ब्लैक एलॉय व्हील्स है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। And as you move towards the side of the motorcycle, यहाँ आप नोटिस करोगे कि इसको फ्लोरोसेंट एंड ग्रे कलर का स्टिकरिंग मिलता है अक्रॉस। बिकिनी फेयरिंग सॉर्ट ऑफ लुक भी दिया हुआ है जो इसे समवॉट हॉर्नेट जैसा बना देता है इन डिजाइन। ये मोटरसाइकिल में आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर एंड ऑफकोर्स माइलेज एंड रियल टाइम माइलेज का इंडिकेशन भी आ चुका है फाइनली। सो दिस मेक्स इट अ लॉट मोर प्रीमियम देन बिफोर। इसका जो हैंडल बार्स है उसका ग्रिप अच्छा है और इस पे सॉफ्ट फील दिया हुआ है, दैट मेक्स इट रियली कंफर्टेबल। वहीं पे इस मोटरसाइकिल की सीट भी काफी बड़ी है इन साइज। वील कवर द सीट एस्पेक्ट वेरी सून फॉर यू। रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक और साथ में आपको मिलता है 18 inch के व्हील्स, दैट सेम कंटिन्यू एट द बैक एज वेल। TVS के टायर्स दिए हुए हैं। अब होंडा क्लेम करती है कि इसमें आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी, इस वजह से ये पर्टिकुलर टायर यूज किया हुआ है इस पर। और टेल लैम्प्स का लुक ज़्यादा अलग नहीं है फ्रॉम द शाइन SP125। हाँ, इसमें आपको शाइन की बैजिंग नहीं मिलती है एंड इट्स नाउ ओनली SP125। अगर बात कर ले इस मोटरसाइकिल के सीटिंग कम्फर्ट की, तो यहाँ पे यू सिट ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसे आप कम्यूटर मोटरसाइकिल पे बैठते हो और ये रहा आपका ऐसा सीटिंग पोजीशन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। सो सिटी के लिए या लॉन्ग ट्रिप्स पे भी अगर आप जाएं, आपको थकावट नहीं होगी और ख़राब रास्तों पे भी जाएंगे तो इट्स रियली नाइस एंड कंफर्टेबल टू गो ऑन। डेली सिटी के लिए ये बनाई गई है, डेली सिटी कम्यूट या टाउनशिप में अगर कहीं आप रहते तो वहाँ के लिए ये परफेक्ट चॉइस है आपके डेली राइडिंग के लिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और दो लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एकदम कंफर्टेबल है। इसके मिरर की साइज़ इज़ डिसेंट और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फ्लेक्सिबिलिटी में, ना ही इसका मिरर शेक होता है। सो बिल्ड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मुझे इसके जो टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स है वो भी काफ़ी अच्छे लगे एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये क्लियरली एक बड़ा अपडेट है ओवर द एग्जिस्टिंग शाइन जो आती थी, आई मीन जस्ट बिफोर दिस। सो आई वुड से काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया है पर डेफिनेटली क्वालिटी में आपको एक चेंज मिलेगा, वरना शाइन जो मोटरसाइकिल थी वैसा ही इसके कैरेक्टर्स अभी भी बरकरार है। और हमने बाइक चालू कर दी और इसका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है इज सो डैम क्वाइट। आई मीन वो बाजू की ट्रकें और गाड़ियाँ ज़्यादा सुनाई दे रही है, ऐसे लगा ही नहीं बाइक स्टार्ट हुई। इट फेल्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फॉर अ सेकेंड। ऑफकोर्स पेट्रोल इंजन का तो नॉइज आता है। अब ये मोटरसाइकिल की खासियत है इसका पावर। इट प्रोड्यूसेस क्लोज टू 10.8 PS ऑफ पावर एंड 10.7 Nm ऑफ टॉर्क। वैसे नंबर्स छोड़ दो, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। 125cc की मोटरसाइकिल है जो बहुत स्मूथ चलती है। इसका इंजन बटरी स्मूथ है और मेरे हिसाब से ये सेगमेंट की ये सबसे स्मूथेस्ट बाइक है अगर मैं इंजन की बात कर लूँ। एक्सीलेटर घुमाओ एंड यू आर नॉट गोइंग टू फील अ थिंग, मतलब इट गोज सो डैम नाइस। एक चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आप हाईवेज पे चलाए या सिटी पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओवरटेकिंग इज वेरी इजी, गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है, क्लच लाइट है, सो इस वजह से यू आर गोना लाइक दिस मोटरसाइकिल। हाँ, अगर आपका सवाल ये उठता है कि ये बाइक का पावर कैसा है फॉर डेली राइडिंग, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे थकावट नहीं होगी, इसकी सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑफकोर्स जो आपको पिकअप चाहिए
इट्स मोर देन सफिशिएंट. और मेरे हिसाब से ये 5 गियर्स जो है ये 4 गियर सिस्टम से ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं. एटलीस्ट जो पावर डिलीवरी है वो ज़्यादा लीनियर हो गई है इससे. वन मोर थिंग आईड लाइक टू कवर इज हाउ द बाइक राइड्स. इसका सस्पेंशन जो है ना थोड़ा स्टिफ है, जिस वजह से आपको थोड़े गड्ढे तो महसूस होते हैं, पर इसकी हैंडलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है फॉर द सेगमेंट, और चलाने में आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यू नो इट्स नॉट स्टेबल. हाँ, 80-100 तक जाएंगे तो आप एकदम कंफर्टेबली जा सकते हैं. ये मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग जो है इज गुड इन इट्स सेगमेंट, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, सो इट्स जस्ट सफिशिएंट फॉर डेली राइडिंग. ग्रिप भी टायर्स का इज गुड इनफ. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस टायर्स अगर मैं 120 पे चलाऊं, पर एनीवेज दिस बाइक जो बनाई गई है ये 80-100 तक चलाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील रहेगा. माइलेज की बात कर ले, देखिए हमने बाइक को बहुत नहीं चलाया है, वी हैव ड्रिवन और रिडन द बाइक काफी लिमिटेड, और इसमें हमने माइलेज टेस्ट नहीं किया, सो इस वजह से आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट माइलेज. फिलहाल जो डिजिटल मीटर है उस पर 61-62 का माइलेज दिखा रहा है, और मेरे हिसाब से 60-65 के बीच में इसका रियल लाइफ माइलेज होगा. सो इस वजह से इट सीम्स टू बी अ गुड बाइक टू हैव ऑन हैंड. तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं. जवाब बहुत ही सिंपल है, 125 सीसी में आज के तारीख में ये बेस्ट चॉइस है आपके लिए. फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, माइलेज, रीसेल, मेंटेनेंस, सब में ये मोटरसाइकिल वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है आज के तारीख में. सो इस वजह से ये बन जाती है द बेस्ट पिक और हमारी क्लियर रिकमेंडेशन. अब अगर आप पूछोगे इस मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी है, मैं प्राइस फिलहाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप 6 महीने बाद वीडियो देखोगे और बोलोगे यार ये प्राइस गलत थी. सो इस वजह से मैं आज के तारीख में जो करंट प्राइस है उसके साथ उसकी डेट नीचे मेंशन कर रहा हूँ. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. इतना वीडियो देखा है, लाइक तो बनता है, और कुछ भी सवाल हो अबाउट दिस मोटरसाइकिल कमेंट्स में पूछ लीजिए, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा. और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, राइड सेफ.